मुस्कुराते रहिए दोस्तों, मैं हूँ आपकी मुस्कान, मैं आई हूँ नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आप मौसम की तरफ ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप मौसम देखिए, इतना अच्छा, इतना ज्यादा अच्छा मौसम, इतनी अच्छी हवा चल रही है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि बारिश कब और मैं बारिश में नहाऊं। जी हाँ, मुझे तो बचपन से ही बारिश इतनी ज्यादा पसंद है ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरी मम्मी इतना मना करती थी ना कि बारिश में मत ना, मैं फिर भी नहाती थी। और तो और मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको बारिश से रिलेटेड ही कुछ बताने जा रही हूँ कि अगर हम बारिश में नहाते हैं तो उससे हमें क्या क्या जो कि है नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सावन का मौसम जो कि आ गया है, इतनी ज्यादा बारिश होती है और कभी भी किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। हमें नहीं पता चलता कि बारिश किस टाइम होगी। तो आप नहाना भी चाहते हैं बट आप नहीं नहा पाते क्योंकि आपको लगता है कि आप बीमार ना हो जाओ या कोई रोग आपको ना हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं अपने जो कि टॉपिक, प्रॉपर टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जैसे आप सब जानते हैं हम स्कूल जाते हैं जो बच्चे, कॉलेज जाते हैं जो, ठीक है, और जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, मैं खुद जैसे जाती हूँ, तो मतलब पता नहीं चलता यार बारिश किस टाइम आ जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा बारिश किस टाइम आ जाएगी? ना हम कुछ वेयर करते, ना हम छतरी लेके जाते, ना हम रेनकोट लेके जाते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बारिश होने वाली है। तो हमें क्या करना है, अगर जैसे बारिश होने वाली है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसमें नहा लेना चाहिए, वो भी खुल के नहा लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको उपाय तो बता रही हूँ ना, तो आप बारिश में नहाओ, चिल मारो और उपाय बताऊंगी, उसको यूज करो अच्छे से और वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो उपाय नहीं समझ आएगा। और फिर अगर कोई बीमारी होगी तो आप मुझे मत कहना कि आपने बताया नहीं था और हमें ऐसे हो गया आपकी वजह से, ठीक है। तो हमें क्या करना है मैं बताती हूँ, जैसे हम बारिश में से आते हैं, ठीक है, हम बारिश में से भीग के आए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले नहाना है। नहाना कैसे है, हमें सिर्फ और सिर्फ ताजे पानी से नहाना है। जी हाँ, ठंडे पानी से नहीं नहाना है, ठंडे पानी से नहीं नहाना, ना ज्यादा गर्म पानी से नहाना है। अगर इससे नहाएंगे तो भी आपको जो की बीमारी हो सकती है, क्योंकि इससे सर्द गर्म भी हो सकता है और भी कई प्रकार की बीमारियां जो आपको हो सकती है। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए, आपको गर्म पानी लेना चाहिए या कोई टी लेनी चाहिए, हर्बल टी ले लेनी चाहिए। और तो और जो कि काढ़ा आपको बनाना है उसमें अदरक, लौंग, इलायची और दालचीनी, इन सबका जो काढ़ा आपको मिक्स करके बनाना है और उसे पीना है। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो कि काढ़ा नहीं पीना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, हम काढ़ा नहीं उन्हें दूध में दे सकते हैं या उसकी चाय बना के उन्हें दे सकते हैं। अगर आपके घर में जो कि है बड़े लोग हैं जो कि पी सकते हैं तो हमें क्या करना है, उसका नॉर्मल काढ़ा बना के उन्हें दे देना चाहिए। तो मैं बता दूं बारिश में नहाने से जो हमें बीमारियां होती है उनके बारे में, जैसे हम बारिश में नहाते हैं तो हमें क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, पीलिया हो जाता है, और तो और खांसी जुकाम इतने ज्यादा हो जाता है ना कि बंदा इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, समझ नहीं आता कि करे क्या, ना कुछ खा पाता, ना रह पाता, ना कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैं नुस्खा जो आपको बता रही हूँ इसको आप यूज करेंगे तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। और तो जैसे मैंने आपको बताया था आपको नहा लेना चाहिए, ताजे पानी से नहाना चाहिए, नहाने के बाद आपको मैंने जो काढ़ा बताया आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। और तो आप गर्म पानी भी ले सकते हैं या गर्म कोई चीज भी खा सकते हो। और हमें एसी पंखे की हवा में बिल्कुल भी नहीं बैठना है, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो सर्द गर्म हो जाएगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा बुखार हो सकता है। इसीलिए आपको एसी की हवा में बिल्कुल भी नहीं बैठना है, ना कि इसी हीटर की हवा में बैठना है जिससे आपको सर्द गर्म हो जाएगा। तो जो नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर करा आप इसको फॉलो करें और मजे से बारिश में नहाएं, बारिश का मजा उठाएं और इस नुस्खे को फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना मत भूलेगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा और चिल मारिए, बारिश में नहाइए। धन्यवाद।